विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले के लोनी गांव पहुंची है, जहां वहीं इस यात्रा में लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनीस, महापौर समेत कई जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि पीएम मोदी का सपना है कि हर गरीब की उन्नति और प्रगति हो। यह विकसित भारत संकल्प यात्रा वंचितों और अंतिम छोर के व्यक्तियों को योजनाओं से जागरूक कर उन्हें लाभान्वित करना है। लोनी के कुल परिवारों की संख्या 1478 और कितने लोगों के परिवार को लाभ मिल रहे हैं, बीपीएल परिवारों की संख्या है 1077 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मुफ्त राशन मिल रहा है कितने, 1131। मतलब 80% से अधिक लोगों को मोदी जी की सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और 5 किलो अनाज मिल रहा है। उसके बाद 54 लोग ऐसे हैं, 54 लोग जिनके परिवार में कोई सहारा नहीं, बुजुर्गों के सहारा नहीं है, ऐसे लोगों 33 किलो का अनाज देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है, सपना है कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार को योजना का लाभ, हर परिवार को कुछ न कुछ देने का काम किया। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास जो मोदी जी का मूल मंत्र है, मूल मंत्र पर हम सब जनप्रतिनिधि चलने का काम करें, चाहे हमारे सरपंच हो, जनपद का सदस्य हो, जिला का सदस्य हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो। कांग्रेस को तो इसके बाद बोलने के अलावा कोई काम बचा नहीं है। ये हमारा परिवार का मामला है और मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, किसको प्रतिनिधि कब कहाँ देना है, क्या नहीं कर रहा है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं कि इसमें उन्होंने जिनका भी चयन किया है तो वो सोच समझ के किया होगा और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से सब सलाह मशवरा करके क्या होगा। कांग्रेस के साथ तो सलाह मशवरा करने के लिए जा नहीं सकते, तो कांग्रेस तो बोल सकती है। कांग्रेस ने जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने कौन सा यहाँ पर मंत्रिमंडल में प्रतिनिधि लिया था, तो कांग्रेस ने पहले अपना गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और उनको कांग्रेस ना बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।